नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट लेबोरेटरी में। और आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल शीरा। पाइनएप्पल या अनानास को स्लाइस करके उसमें जो आंखें बनी होती हैं उनको निकालने के बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। अब हम गरम तवे पे इसे कैरमलाइज करेंगे। तवे को आपको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। इसे आप दोनों तरफ से पलट कर ब्राउन होने तक सेक लें। बिल्कुल इस तरह से हमारा पाइनएप्पल तैयार है। इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हमें पाइनएप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेना है। अगर आप इसे चॉप नहीं करना चाहते हो तो आप इसे मिक्सर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी डालें। अब इसमें आधा कप रवा या सूजी डालें। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। वैसे तो ये भी एक प्रकार का रवे का शीरा ही है, पर क्योंकि इसमें पाइनएप्पल डाला होता है तो ये बच्चों का बहुत पसंदीदा बन जाता है। रवा बनकर तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रंग बदल चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में अलग रख देंगे। उसी कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। अगर आप शीरे को थोड़ा सा गीला रखना चाहते हो तो आप इसमें और पानी भी डाल सकते हो। अब इसमें जाएगा 1 चुटकी केसर। जाएंगे हमारे चॉप किए हुए पाइनएप्पल। अगर आपने प्यूरी बनाई है तो इस स्टेज पर प्यूरी डाल दीजिए। ऐसा करने से पाइनएप्पल का फ्लेवर पूरी चाशनी को मिल जाता है और केसर डालने से एक बढ़िया सा कलर भी आ जाता है। इसमें बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब इसमें जाएगी आधा कप चीनी। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी की मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और क्योंकि हमने शीरा बनाते टाइम दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके रवा डालेंगे। रवा डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाना है ताकि इसमें कोई भी लंप ना पड़े। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच घी और चॉप किए हुए बादाम। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। लगभग आधा कप पानी डालकर हम इसे ढककर पकाएंगे। 2 मिनट ढककर पकाने के बाद पाइनएप्पल शीरा तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।